प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। 23 अप्रैल को बस्ती जिले से अपहृत बच्चे को एसटीएफ और बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम ने गोरखपुर के सहजनवा से किया सकुशल बरामद। दो अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। अपहरणकर्ता भी कपड़े का करते थे व्यापार। बच्चे के पिता से अपहरणकर्ता 1 साल से थे परिचित। जश्न आजादी तक लबालब होंगे अमृत सरोवर। गोरखपुर को मिला है 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य। 15 अगस्त तक पूर्ण होगा निर्माण। न्यूनतम रकबा होगा 1 एकड़। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने किया शुभारंभ। कुलपति ने न्यायाधीश महोदय को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड से किया सम्मानित। कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आकर मां के गोद जैसी सुखद अनुभूति का हो रहा है एहसास। आयुष्मान भारत योजना का मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडल की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। आयुष्मान भारत योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। लाल डिग्गी स्थित राजकीय दृष्टिबाधित मूक बधिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम सिटी से किया मुलाकात। गिनाई अपनी अपनी समस्या। एडीएम सिटी ने कहा, रविवार को एसडीएम विद्यालय का निरीक्षण कर समस्याओं से होंगे अवगत। सभी समस्याओं का होगा समाधान। ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्टरों के गीडा में शिफ्टिंग का अपर एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने लिया जायजा। कहा, 7 में से 3 ट्रांसपोर्टरों को गीडा में किया जा चुका है शिफ्ट। बाकियों को जल्द शिफ्ट करने के लिए दिया गया है निर्देश। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने खजनी ब्लॉक के परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत चयनित गांव ग्राम पंचायत भेउसा उर्फ बनकटा में लगाया चौपाल। कहा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा गांव के विकास का कार्य। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ऊपर होगी कड़ी कार्यवाही। चौदहवीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे बनी महिला एवं पुरुष वर्ग की चैंपियन। पुरुष वर्ग के फाइनल में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने कड़े मुकाबले में उत्तर रेलवे को तथा पूर्वोत्तर रेलवे ने महिला वर्ग में अंकों के आधार पर चैंपियनशिप पर किया कब्जा। कहा, पूरी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने आपसी सौहार्द प्रतिस्पर्धा के साथ खेल में किया प्रतिभाग। राप्ती नदी के किनारे रामघाट पर पुलिस परिवार के साथ एडीजी जोन अखिल कुमार ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान के तहत रामघाट की साफ सफाई। कहा, नदियां हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की है जीवन रेखा। प्रत्येक दशा में नदियों को साफ एवं स्वच्छ रखने का किया जाना चाहिए प्रयास। दो अंतरजनपदीय लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 45,000 रुपया व घटना में प्रयुक्त बोलेरो किया बरामद, भेजा जेल। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में गोरखपुर मंडल के ईटीसी मिनी पीआईसीयू पीआईसीयू प्रभारियों का प्रशिक्षण सकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, गोरखपुर मंडल से उखाड़ फेंकना है इंसेफलाइटिस को। और जिला आपदा प्राधिकरण के तत्वावधान में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। सभी कार्यों को बाढ़ से पूर्व पूरा करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को दिया निर्देश।